हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत कब है, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय। साथ में जानेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। इसे अहोई अष्टमी या अहोई आठे कई नामों से इसे जाना जाता है और ये व्रत संतान से जुड़ा होता है। इस व्रत को पूरा दिन निर्जला रहकर करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन और रात्रि में तारों को देखकर पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड स्नान भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत कब है, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और साथ में जानेंगे चंद्रोदय का समय, अहोई व्रत की कथा और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है और इस तरह से व्रत के नियमों का पालन करने से संतान की रक्षा होती है, संतान दीर्घायु होती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा और 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:18 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 25 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:58 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:57 से शाम के 7:10 तक है और चंद्रोदय का समय रात्रि के 12:31 तक है। आइए जानते हैं कि इस दिन तारों को देखने का समय क्या है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय शाम के 6:19 से है और सनसेट यानी कि सूर्यास्त का जो समय है वो 5:42 पर सनसेट होगा। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान के बाद सबसे पहले निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कई जगह पर सर्गी की जाती है। अगर आपके यहाँ सर्गी की परंपरा है तो करवा चौथ की तरह जल्दी उठ करके सर्गी करें और स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए घर की
साफ दीवार पर अहोई माता से और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं, या फिर बना बनाया आप कैलेंडर भी ला सकते हैं। और अगर आप दीवार पर बनाते हैं तो अहोई माता का चित्र बनाएं, सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र जरूर बनाएं, और वहां पर जल से भरा हुआ कलश रखें। इस दिन सायंकाल में तारे देखने के समय पूजा करने का विधान है, और सांझ के समय में अहोई माता की रोली, चावल, कुमकुम और अन्य पूजन सामग्री से, श्रृंगार सामग्री से माता की पूजा की जाती है, और मीठे पुए का भोग लगाया जाता है, और हाथ में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, और फिर आरती करनी चाहिए, और रात्रि में तारों को देखने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए, और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, घर में बड़ी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें गिफ्ट भी देना चाहिए। गिफ्ट में आप उन्हें वस्त्र और मिठाई और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए, और बड़ी बुजुर्ग महिला का उनसे उनके पैर का उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, और 7 बेटों की शादी हो चुकी थी, तो 7 बेटे के 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ यानी कि सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेह का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननंद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे कोई भी बच्चा होता तो वो 7 दिन के बाद मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, और वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज यहाँ मेरे साफ सफाई कर जाता है, तो आज मैं देखूंगी कि वो कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी, और रास्ते में कड़ी तेज धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सर्प आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा।
तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। वह बोली, सात समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को यानी कि गौ माता और उस साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही कहने लगी, सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे सात बेटे और सात बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, सात कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बोली माता साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो माता तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तो साहूकार की सेवा से प्रसन्न होकर माता ने अहोई माता ने आशीर्वाद दिया कि जा तेरे घर में तेरे तुझे सात बेटे और सात बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, सात अहोई बनाकर सात कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो उसने देखा कि सात बेटे और सात बहुएं बैठी हैं, बहुत ही खुश हैं और अपने सातों बेटों को और सातों बहुओं को देखकर वह भी खुश हो गई। उसने सात अहोई बनाई, सात उजमन किए, सात कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली थी, अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख स्याऊ माता ने खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, हम सबकी कोख खोलियो। कहने वाले और हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि आप अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में पूजा के बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर सुने, साथ ही विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना करें, इससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और निसंतान दंपति को अच्छा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उनके स्वास्थ्य का सुधार होता है और उनकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा व्रत का पारण रात्रि में तारों को देखकर करना चाहिए, जैसे करवा चौथ का व्रत हम चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, इसी तरह से अहोई का जो व्रत है वो तारों को देखकर खोलना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए बनाए गए जो प्रसाद होता है वो संतान को जरूर देना चाहिए, इससे क्या होता है कि देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है
और संतान भी स्वस्थ रहती है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और ज़रूरतमंद को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान पति पत्नी को मिलकर के देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। देवी पार्वती को सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन गौ माता को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए और किसी भी फल या सब्जी को काटना नहीं चाहिए और इस दिन दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।